की, भारत माता की, भारत माता की। तो मैं शुरू करूं, हिज एक्सलेंसी मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी एंड लेबर ऑफ ऑस्ट्रिया, इंडियन डायस्पोरा के मेरे सभी साथियों, भारत के सभी दोस्त, शुभचिंतक, आप सबको नमस्कार। गुटिन टाग। साथियों, ऑस्ट्रेलिया का ये मेरा पहला दौरा है। जो उत्साह, जो उमंग मैं यहां देख रहा हूं, वो वाकई अद्भुत है। 41 वर्षों के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का यहां आना हुआ है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके जन्म के पहले कोई प्रधानमंत्री यहां आए थे। आपको क्या लगता है, इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया ना? चलिए, अब ये इंतजार खत्म हो गया है, अब तो आप खुश है ना? मैंने मुझे बताने के लिए कह रहे हैं कि रियल में खुश है? सच्चा? और साथियों, ये इंतजार खत्म भी एक ऐतिहासिक अवसर पर हुआ है। आप में से बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, भारत और ऑस्ट्रिया अपनी दोस्ती के 75 वर्ष सेलिब्रेट कर रहा है। मैं चांसलर कार्ल नेमर को इस शानदार स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इकोनॉमी एंड लेबर मंत्री मार्टिन कोकर का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपका यहां आना ये दिखाता है कि ऑस्ट्रिया के लिए यहां बसे भारतीय कितने खास है। कितने विशेष हैं।
फ्रेंड्स, भौगोलिक दृष्टि से तो भारत और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग छोर पर है, लेकिन हम दोनों के बीच अनेक समानताएं हैं। डेमोक्रेसी हम दोनों देशों को कनेक्ट करती है, लिबर्टी, इक्वालिटी, प्लूरलिज्म और रूल ऑफ लॉ का रिस्पेक्ट, ये हमारी शेयर्ड वैल्यूज है। हम दोनों समाज मल्टीकल्चरल और मल्टीलिंगुअल है। दोनों देश हमारे समाज में, हम दोनों देशों की आदत है डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना और हमारी इन वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करने वाला एक बड़ा माध्यम चुनाव है। ऑस्ट्रिया में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाला है, जबकि भारत में हमने अभी 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 हमने लोकतंत्र का पर्व आन बान शान के साथ मनाया है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हुआ है। साथियों, आज दुनिया के लोग भारत के इलेक्शन के बारे में सुनकर हैरान रह जाते हैं। जो चुनाव कुछ सप्ताह पहले ही खत्म हुआ है, उसमें 650 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं। मतलब हुआ शायद 65 ऑस्ट्रिया, 65 ऑस्ट्रिया। और सोचिए, इतना बड़ा चुनाव होता है, लेकिन कुछ ही घंटों में चुनाव के नतीजे क्लियर हो जाते हैं। ये भारत की इलेक्टोरल मशीनरी और हमारे डेमोक्रेसी की ताकत है। साथियों, भारत के इन चुनावों में सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टीज के 8000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इस लेवल का कॉन्टेस्ट, इतना डाइवर्स कॉन्टेस्ट, तब जाकर के देश में जनता ने अपना मैंडेट दिया है। और देश ने मैंडेट क्या दिया है?